गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके टू मेन प्रिंसिपल्स हैं टू मेन प्रिंसिपल्स उसके कौन कौन से हैं एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग ये दो इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्स द ऑल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं ताकि उससे हम अपना डिज़ायर प्रोडक्ट ऑप्टेन कर सकें इसलिए हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है जो हमारे पास किसी एक इंडिविजुअल का डीएनए है जब उसमें हम बाहर से कोई जीन्स ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास नया डीएनए बनता है दैट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिकॉम्बिनंट डी एन ए टेक्नोलॉजी इसे हम स्मॉल आर डी एन ए टेक्नोलॉजी करके भी लिखते हैं तो अगर हम फर्स्ट केस देखें ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बेन डी एन ए सो द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बेन डी एन ए वॉज प्रिपेयर बाय स्टैनले कोह एंड हर्बर्ट बॉयर इन नाइनटीन सेवेंटी टू तो जैसा कि अभी हमने देख पढ़ा कि रिकॉम्बिन डी एन ए टेक्नोलॉजी क्या में क्या आता है इट इन द ज्वाइनिंग ऑफ डी एन ए डिफरेंट स्पीसीज हम दो डिफरेंट स्पीसीज के डी एन ए को लेते हैं और उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं सो दिस न्यू डी एन ए फॉर्म इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डी एन ए और आर डी एन ए इस रिकॉम्बिन डी एन ए और हाइब्रिड डी एन ए को फिर हम क्या करते हैं दैट इज़ इंसर्टिड इंटू अ होल सेल विच इज़ जनरली अ बैक्टीरियम उसके बाद ये जो हमने हाइब्रिड डी एन ए या रिकॉम्पिनेंट डी एन ए बना लिया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसको एक बैक्टीरियम के अंदर डालते हैं जहाँ पे जिस बैक्टीरिया से हमने अपना डिजायर प्रोडक्ट लेना है तो फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन एनी ऑर्गिजम अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस लेके आनी है उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना है तो उसमें मेजर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं सबसे पहली है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डी एन ए विथ डिज़ायर्ड जीन्स उसमें सबसे पहला ऐसा डी एन ए होना चाहिए जिसमें हमारे फायदे के हमारे डिज़ायर्ड जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हों दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन्स इन टू द होस्ट अब ये डिज़ायर्ड जीन्स को हम वहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे उनको आइसोलेट करेंगे और उसके बाद उसको हम एक होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ हाइब्रिड और आर डी एन द होस्ट अब जो हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया है और उसको होस्ट सेल में डाल दिया है अब हम ये इंश्योर करेंगे कि जिस होस्ट में हमने उसको डाला है वहाँ पर वो अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है और लास्ट में हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेट डी एन ए इन टू द नेक्स्ट प्रोजेनि और नेक्स्ट जनरेशन ये जो रिकॉम्बिनेट डी एन ए जो हम किसी होस्ट में डाल चुके हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में भी भेजेगा अब हमारे पास आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिन डी एन ए टेक्नोलॉजी वो टूल्स जिसके साथ हम रिकॉम्बिन डी एन ए टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं तो रिकॉम्ब डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द टेक्निक इन विच हाइब्रिड डीएनए और रिकॉम्बिनेट डीएनए एन ए इज़ आर्टिफिशली प्रोड्यूस इन द लेबॉट्री बाय न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो जैसा अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हम जेनेटिक मटेरियल के न्यू न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट स्पीसीज से डी एन ए को लेके आते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं और एक आर्टिफिशियल डी एन ए या रिकॉम्बिनेंट डी एन ए हम बना देते हैं दिस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इज देन इंट्रोड्यूस्ड इन टू द होल सेल फॉर प्रोपिगेशन एंड मल्टीप्लीकेशन उसके बाद हम इस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए को एक पर्टिकुलर होस्ट सेल में डाल देते हैं विच इज जनरली अ बैक्टीरियम सेल तो उसमें डालते हैं ताकि वो अपने नंबर को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर सके अब हम ये देखेंगे कि इस रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से वो टूल्स हैं कौन कौन से वो हथियार हैं औजार हैं जिनसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करेंगे और उसको होस्ट सेल में डालेंगे ताकि वो वहाँ पे अपने आप को प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर सके और नेक्स्ट जनरेशन में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेज सके तो इसके जो वेरियस टूल्स हैं सबसे पहले हमारे पास आते हैं रिस्ट्रिक्शन एनजाइम्स दूसरे नंबर पर हैं पॉलीमरेज एनजाइम्स फिर हैं लाइगेज नंबर फोर्थ पर आते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स और नंबर फिफ्थ में हमारे पास आते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट तो अब हम इन सभी टूल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे अब हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सो व्हाट इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ प्रोटीन विच रिकोगनाइज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस ऑफ डी एन ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है एक प्रोटीन है जो डी एन ए सिक्वेंस में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स को रिकोगनाइज करता है पहचानता है उनको एंड कट्स द डी एन एट दट स्पेसिफिक साइट और उस डी एन ए को वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर साइट पर काटता है जहाँ पर वो उन शॉर्ट वो शॉर्ट निक्लोटाइड्स प्रजेंट होती हैं सो दिस साइट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट इस जगह को उन साइट्स पर जहाँ पर ये शॉर्ट न्यूक्टाइट्स प्रेजेंट है विच आर रिकोगनाइज बाय अ रिस्ट्रिक्शन एनजाइम इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट तो रिस्ट्रिक्शन साइट सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो डिस्कवर्ड बाय स्टूट लेन एंड आर्बर इन 1963 सिक्सटी लेन और आर्बर ने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1963 में जब वो क्या कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एश्चीरिशिया कोलाई जो बहुत कॉमनली हमको बैक्टीरिया मिलता है कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ द अटैक ऑफ बैक्टीरियो जब उन्होंने क्या देखा कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है अपने आप को बैक्टीरियो के अटैक से बचा सकता है उन्होंने देखा कि यह रेजिस्टेंस उसमें दो एंजाइम्स की वजह से थी ई e. कोलाई में अपने आप को बैक्टीरियो से प्रोटेक्ट करने की जो कैपेसिटी थी वो किस वजह से थी दो एंजाइम्स की वजह से थी वो दो एंजाइम्स कौन कौन से थे सबसे पहला एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिस एंजाइम recognizes अ पर्टिकुलर sequence ऑफ DNA and एंड कट्स द डीएनए एट sequences. सीक्वेंसेज ये एंजाइम बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने एक्शन में ये डी एन की एक पर्टिकुलर सिक्वेंस को ही रिकोगनाइज करते हैं और डी एन ओ को सिर्फ उसी सिक्वेंस पे काटते हैं इट वॉज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियो फाच इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियो फाजिश की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेकेंड ग्रुप जो उसमें सेकेंड एंजाइम जो उनको ईकोलाइम e. में मिला था वो कौन सा था मिथाइलिस तो ये एंजाइम क्या करता है दिस एंजाइम एड्स मिथाइल ग्रुप टू द डी एन एफ बैक्टीरिया सो दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नॉट एबल टू हार्म द बैक्टीरियल जीनोम यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जी एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है जो बैक्टीरिया का अपना डी है उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है ताकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ईकोलाई में प्रेजेंट है वो उसके अपने ही डीएनए को ना तोड़ सके अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है ई e. कोलाइन में वो ईकोलाई e. के अपने ही डीएनए को तोड़ देगा उसको फ्रेगमेंट्स में उसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे छोटे छोटे तो ये मिथाइलियस एंजाइम क्या करता है ये बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करता है ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बैक्टीरियल जीनोम को कोई भी हार्म ना पहुंचा सके सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस आर ई एन रिस्ट्रिक्शन आर एंडो ई न्यूक्लियस एन तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं दे फर्दर बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसिस इनकी एक और बड़ी क्लास है न्यूक्लियसिस जिसमें ये न्यूक्लियसिस जो हैं वो दो तरह के आते हैं कौन कौन से हैं एक है एक्जो न्यूक्लियसिस दूसरे हैं एंडो न्यूक्लियसिस एक्जो जैसे हमको नाम से पता चल रहा है दे कट डी एन ए और आर एन ए विच एवर इज़ द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द एंड्स ये डी एन ए या आर एन ए को एंड्स से काटते हैं दूसरी क्लास आती है एंडोन्यूक्लियसिस जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक साइट्स पे काटती हैं जिनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन सॉरी रिकोगनीशन सिक्वेंसिस फ्रॉम इन ये डीएनए को अंदर से काटती हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रिकोगनीशन सिक्वेंसेस अब अगला हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस तो हमारे पास थ्री मेन टाइप्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्सिस के आर टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री इन तीनों टाइप्स में से जो टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दे आर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी बिकॉज दे कैन बी यूज टू रिकोगोगोगनाइज एंड कट डी एन ए सिक्वेंसिस आट स्पेसिफिक पॉइंट्स ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये डी एन ए को एक पर्टिकुलर साइट पर रिकोगनाइज करते हैं और वहीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही डी एन ए को काटते हैं और ये कहाँ काटते हैं यूजली हैविंग फोर टू एट न्यूक्लियोटाइड्स इन विट्रो जहाँ पे फोर टू एट न्यूक्लियोटाइड्स का लेंथ है वहाँ पे और इन विट्रो इन विट्रो मीन्स अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस मतलब इन लैब कंडीशंस दे रिक्वायर मैग्नीशियम आइंस फॉर देयर एक्शन ये एंजाइम्स जो हैं दे रिक्वायर मैग्नीशियम आइंस फॉर देयर एक्शन उनको अपना काम करने के लिए मैग्नीशियम आइंस की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप टू एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था दैट वॉज हिंथ टू और ये कहाँ से डिस्कवर हुआ था फ्रॉम द बैक्टीरियम हेमोफाइलस इन्फ्लुएंसी बाय स्मिथ 1968 इनको हम कैसे नेमिंग करते हैं यह भी हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद आता है द रिकोगशन सिक्वेंस ऑफ ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज़ अ पैलियन ड्रामिक सिक्वेंस जो हम अभी तक कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडो जो हैं वो किसी पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंसेज को रिकॉग्नाइज करते हैं वो कौन से सिक्वेंसिस होती हैं दे आर पैलिड्रामिक सिक्वेंसेज पैलिंड्रामिक सिक्वेंसेज क्या हैं अगर जिनको हम लेफ्ट साइड से पढ़ें या राइट right साइड से पढ़ें वो सेम वर्ड्स आते हैं उसमें सेम स्पेलिंग्स होते हैं वर्ड्स के तो इन पेलिंड्रामिक सिक्वेंस द टू स्टैंड ऑफ डी एन द सेम बेस सिक्वेंस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो पेलेंड्रामिक सिक्वेंस में क्या है जो डीएनए के दो स्टैंड हैं, उनमें सेम सिक्वेंस है बेसिस के सेम सीक्वेंस है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दैट इज अगर एक फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में है तो दूसरा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन में होगा ठीक है तो इट इज सिमिलर टू पेलेंड्रामिक वर्ड विच रीड्स द सेम इन बोथ द डायरेक्शन ये पेलीड्रामिक वर्ड्स की तरह होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में सेम रीड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मलयालम देन हमारे पास जैसे एक सिक्वेंस आती है इको आर वन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी रिकोगशन साइट क्या है फाइव प्राइम एंड से अगर हम स्टार्ट करें तो इसकी सिक्वेंस आती है जी ए ए टी टी सी थ्री प्राइम एंड की तरफ चलते हुए और अगर हम थ्री प्राइम से दूसरे स्टैंड में देखें तो ये आता है सी टी टी ए ए जी तो आर एन सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर ई एन मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंडो सबसे पहले क्या करता है अटैचेज इट्सल्फ बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्टैंड एंड कॉज अ ब्रेक इन दैम ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं ये अपने आप को सेम पॉइंट पे अटैच कर लेते हैं दोनों स्टैंड्स पे और उसके बाद सेम बेसिस पे वहाँ पे एक ब्रेक कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आर एन आर ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजस वेरी इंपॉर्टेंट हम मोलिकुलर सीजस सीजस मीन्स कैंची कैंची से जैसे हम कोई भी चीज़ काटते हैं उसी तरीके से आर एन रिस्ट्रिक्शन एंडो को हम मॉलिकुलर सीजस कहते हैं क्योंकि इसको हम मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए यूज करते हैं सो देर आर टू ग्रुप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बेस्ड ऑन देअर एक्शन फर्स्ट ग्रुप क्या करता है इट प्रोड्यूस शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स विच कैन ज्वाइन सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स ऑफ अदर डी एन ए फ्रेगमेंट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेस फर्स्ट ग्रुप क्या करता है ये डी एन ए के साइड्स में छोटे छोटे सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स बना देता है जो किसी दूसरे डी एन ए के फ्रेगमेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री सो सच एंडस आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स स्टेग एंड्स और कोहेसिव एंडस इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ईको आर वन एंड बैम एच वन बिलोंग टू दिस कैटेगरी जैसे इको आर वन है अभी हमने पढ़ा था ये यहाँ पे जी के पास दोनों ही स्टैंड्स में एक्ट करेगा और इस तरीके से ये स्टिकी एंडस जो हैं वो बनाता है सेम वे बैम एच वन भी जो है यहाँ पे एक्ट करेगा और स्टिकी एंड्स बनाएगा अब हम देखते हैं कि अगर डीएनए uh, जो है वो डिफरेंट अगर हम डीएनए लें दो डिफरेंट सोर्सेस से और उनको सेम आर के साथ कट करें तो वो क्या करेंगे दे विड प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स एंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस, द कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स ऑफ द टू डीएनएस कैन बी ज्वाइन टू क्रिएट अ कॉम्बिनेंट डी एन ए इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि ये दो स्टिकी एंड हमारे पास बन गए हैं अगर यहाँ पे कोई एक और दूसरा सोर्स है वहाँ से हम डी एन ए लेते हैं उसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्युक्लियस के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो वो क्या करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनाएंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ डी एन ए लाइगेज दीज कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड दे कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए यह था अबाउट द फर्स्ट ग्रुप अगर हम सेकेंड ग्रुप के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं दिस ग्रुप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडक्लियस कट बोथ द स्टैंड ऑफ डी एन एट द सेम प्लेस ये डी एन ए के दोनों स्टैंड को सेम प्लेस पे कट करते हैं सो दैट सिंगल स्टैंडर्ड पीसेज आर नॉट लेफ्ट ऑन द एंड जिससे हमारे पास एंड्स पे सिंगल स्टैंडर्ड पीसेस नहीं बचते हैं सो दीज एंड्स विदाउट सिंगल स्टैंडर्ड सिक्वेंसेस आर कॉल्ड ब्लंट एंड्स तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जो आते हैं वो आता है स्मे वन एंड स्कै वन बिलोंग रादर, एम ए वन एंड एस सी ए वन बिलोंग टू दिस कैटेगरी तो एस एम ए वन अगर हम देखें तो ये इसकी सिक्वेंस आती है सी 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 जी 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 और अगर थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम पे देखें तो जी 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 सी 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 तो यहाँ पे ये इसको डीएनए के स्टैंड को बीच में काटता है जिससे यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स नहीं बचते हैं और इस तरह के एंड्स को हम कहते हैं ब्लंट एंड्स और अगर एस सी ए में देखें हम तो इसके सिक्वेंस है ए जी टी ए सी टी फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है टी सी ए टी जी ए तो यहाँ पे ये बीच में काटता है एंड प्रोड्यूसेस द ब्लंट एंड्स सो दीज ब्लन टेंट्स मे बी यूज एज सच इन ब्लंड टेंट्स को हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं और इनको हम स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स भी बना सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ पॉली ए एंड पॉली टी सिक्वेंसेज विद द हेल्प ऑफ एनजाइम टर्मिनल ट्रांसफरस इन ब्लंड टेंट्स को हम स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स भी बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं अगर इसमें हम पॉली ए या फिर पॉली टी ए मीन्स एडिनिन एंड टी मीन्स अगर हम पॉली ए पॉली टी सिक्वेंसिज इनमें ऐड कर दें और कौन सा हेल्प एंजाइम हम हमें हेल्प करता है ये करने में टर्मिनल ट्रांसफरस तो अब आता है हमारे पास नॉर्मन क्लेचर कि हम रिस्ट्रिक्शन को किस तरीके से नेम करते हैं तो नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इज डन बाय फॉलोइंग टेक्निक्स कौन सी टेक्निक्स है सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनसिस टेकन इन विच दैट एंजाइम वाज डिस्कवर्ड सबसे पहले हम जीनस का फर्स्ट लेटर देख लेते हैं जिसमें वो एंजाइम डिस्कवर हुआ था दिस लेटर इज रिटन इन कैपिटल ये जीनस का जो फर्स्ट लेटर है इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं उसके बाद फर्स्ट टू लेटर्स फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म आर टेकन एंड आर रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स उसके बाद हम स्पीसीज के दो लेटर्स लेते हैं और उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे हमारे पास आता है ई को फ्रॉम ईश्चया कोलाई ईश्च्य इसका जीनस है यहाँ से हम ई e लेंगे और कोलाई से सी ओ सेम वे हिन्न फ्रॉम हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजे एच पी ए फ्रॉम हिमोफाइलस पैरा इन्फ्लुएंजे नेक्स्ट रूल आता है कि दिस इज़ फॉलोड बाय द स्ट्रेन और टाइप आइडेंटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल इको आर वन तो इको आर वन क्या है हमारे पास इको आर वन क्रम्स फ्रॉम इश्चेरिशिया कोलाई आर वाई थर्टी। यहाँ पे आर जो है इट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रेन यहाँ पे इश्चेरिशिया कोलाई आर वाई वन थ्री है तो आर वाई वन थ्री जो है ये इसका स्ट्रेन है तो उसका हमने यहाँ से उसका नाम ले लेंगे और इसके बाद जैसे हमारे पास नाम है इको आर वन तो वन क्या है वन दिस रोमन नंबर रिप्रेजेंट्स द सॉरी रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम सिग्निफाइज द ऑर्डर इन विच एंजाइम वाउसो आइसोलेटेड तो यहाँ पे इसको हम जो रोमन लेटर्स में लिखते हैं नंबर को वो ये सिग्निफाई करता है कि कौन से नंबर पे ये एंजाइम जो है वो आइसोलेट किया गया था तो ये इको आर वन जो है सबसे पहला एंजाइम था जो ईश्चे कोलाई से हमने डिस्कवर किया था सो इट इज इको आर वन तो इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्सिस एंजाइम्स की डिस्कवरी के लिए आर्बर स्मिथ एंड नेवेड नोबेल प्राइज इन नाइनटीन सेवेंटी फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम ईको आर वन तो अभी तक हमने देखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजिस से हम कैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ सकते हैं अब हम देखेंगे कि कैसे हम उनको सेपरेट और आइसोलेट करेंगे इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को तो व्हेन डीएनए एन इज़ ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजिज फ्रेगमेंट्स ऑफ डी आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरिस ये फ्रेगमेंट्स को जो छोटा है कोई छोटा है कोई बड़ा है कैसा भी कोई फ्रेगमेंट बना है इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक आती है उसका नाम है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो ये जल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट चार्जड पार्टिकल्स मूव टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस के अंडर लेके आते हैं तो वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करता है तो एज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हम सभी जानते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाई फोर्सिंग दैम टू मूव टवर्ड्स द एनोड उनको हम सेपरेट कर सकते हैं अगर हम उनको क्या करें अगर हम उनको फोर्स करें कि वो एनोड की तरफ मूव करें अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। एक मीडियम या मैट्रिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसमें अगर हम इन डी एन ए फ्रेगमेंट्स को डालेंगे तो वो ऑपोजिटली चार्ज एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे तो आजकल हमारे पास जो कॉमनली यूज मैट्रिक्स है दैट इज एगरोग्रोज क्या है एक नेचुरल पॉलीमर है विच इज ऑबटेन्ड फ्रॉम सी वीड्स सी वीड्स जो हैं ये वो प्लांट्स हैं जो सी में ग्रो करते हैं उनसे हम ये एगरोस ऑप्टेन करते हैं तो ये डीएनए एन जो हैं द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगरोस जल हैंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मूव्स तो यहाँ पे इस जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं और सीविंग इफेक्ट्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एगरोज तो इसलिए हम देखेंगे कि जितना छोटा फ्रेगमेंट का साइज होगा वो उतनी ही ज़्यादा आगे मूव करेगा तो ये हमारे पास एक टिपिकल इलेक्ट्रोजल एगरोज जल इलेक्ट्रोफोरिस का टेक्निक है जो हमें बता रही है कि कहाँ से कैसे ये डी एन ए के मॉलिक्यूल जो हैं वो सेपरेट होंगे अब ये हमारे पास वेल्स हैं जहाँ पे हम डीएनए के सैंपल्स डालते हैं और ये हमारे पास एग्रोस जल है यहाँ पे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड दिस साइड इज़ एनोड। तो अभी जैसे हमने बात करी थी कि जितना छोटा साइज होगा वो उतना ज़्यादा जो है वो जल्दी मूव करेगा और दूसरी तरफ जाएगा तो ये वाले जो हैं ये स्मॉलेस्ट बैंड्स हैं डीएनए के और ये जो हैं दीज आर द लार्जेस्ट बैंड्स ऑफ डीएनए। तो ये जो हमारे पास डी के फ्रेगमेंट जिनको हमने सेपरेट किया है इनको हम तभी देख सकते हैं जब हम इनको स्टेन करें विद एथीडियम ब्रोमाइट फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस अगर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं और उनको एथीडियम ब्रोमाइट के साथ स्टेन नहीं करते हैं तो वो हमको दिखाई नहीं देंगे और इनको स्टेन करने के बाद हमें इनको यू वी पे एक्सपोज भी करना है तो जैसे भी हमने डायग्राम में देखा वी कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डी एन ए इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेंट जेल एक्सपोज टू यू वी लाइट सो नाउ द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डी एन ए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोज जेल एंड सेपरेटेड फ्रॉम जेल पीस इस तरीके से जो हम जेल एग्रोज जेल से जो है डी एन ए के पीसेस को कट कर सकते हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं नाउ दीज प्योर फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए Are used in the construction of recombinant DNA by joining them with cloning vectors. Thank you for watching.